Assalamu alaikum dear students, today the date is 4 June 2020 and the day is Thursday. Diary, English B, English A, Study, Science and Maths. English B, Essay, Morning Walk. English A, Unit Number 6, Question Answers. Study, Unit Number 7, Words, Meanings, Blanks, True, False. Science, Unit Number 2, Long Question Number 2. Maths, Unit Number 5, Exercise Number 5.2. क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तमाम डायरी आपने लिखनी है और याद करनी है. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश बी बुक पेज नंबर 187 एसे मॉर्निंग वॉक. इट इज़ ट्रू दैट हेल्थ इज़ वेल्थ. ये एक हकीकत है कि सेहत ही दौलत है एंड हेल्थ डिपेंड्स अपॉन एक्सरसाइज. और जो हमारी सेहत है वह इनसार करती है किस पर? वर्जिश पर. अ गुड एक्सरसाइज फॉर अ स्टूडेंट, एक अच्छी वर्जिश एक शागिर्द के लिए या तालिबे इल्म के लिए, इन इज़ द मॉर्निंग वॉक. वो जो होती है सुबह की चहलकदमी होती है. अ मॉर्निंग वॉक इज़ ऑलवेज वेरी प्लेजेंट. और जो सुबह की वर्जिश होती है वो बहुत खुशगवार होती है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता या उठती हूँ. आई से माय फजर प्रेयर्स, मैं अपने फजर की नमाज अदा करते हूँ या करती हूँ. एंड गो आउट फॉर अ वॉक, और वर्जिश के लिए या चहलकदमी के लिए एक बाग में चली जाती हूँ. बर्ड्स ग्रीट मी विद देयर स्वीट सॉन्ग्स, और जो परिंदे हैं वो मुझसे मिलते हैं अपने प्यारे गीत या नगमों के साथ. सम बर्ड्स चिप इन देयर नेस्ट, और कुछ जो परिंदे हैं वो अपने घोंसलों में ही चहचहा रहे होते हैं. द ड्यू ड्रॉप शाइन लाइक पर्ल्स ऑन फ्लावर्स, और जो शबनम के कतरे होते हैं वो ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे मोती हों फूलों के ऊपर. इट मेक्स मी फ्रेश एंड हेल्दी, ये मुझे खुशगवार और सेहतमंद बनाता है. द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, और जो मौसम होता है वो बहुत खुशगवार होता है. द मॉर्निंग ब्रीज ब्लोज वेरी जेंटली, और सुबह की जो हवा है वो बहुत खुशगवार तरीके से हल्की हल्की चल रही होती है. देन आई गो बैक टेक माई ब्रेकफास्ट, फिर मैं वापस आता या आती हूँ, नाश्ता करती हूँ, चेंज माई क्लोथ, और फिर मैं अपने कपड़े तब्दील करके एंड गो टू स्कूल, और स्कूल चला जाता या जाती हूँ. मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, और जो हमारी सुबह की वर्जिश है या सैर है वो हमारे सेहत के लिए बहुत कारामद या मुफीद है. नाउ द सेकेंड डायरी इज इंग्लिश ए, यूनिट नंबर 6, क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीज आर गॉड गिफ्ट्स टू मैनकाइंड, कैन यू एक्सप्लेन. कि ये जो दरख्त हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए तोहफा हैं, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? आंसर, द ट्रीज आर गॉड गिफ्ट टू मैनकाइंड, ये जो दरख्त हैं ये अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए तोहफा हैं. बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइड अस ब्यूटी, ये हमें क्या मुहैया करते हैं? हुसन या खूबसूरती. इट इज़ अ ग्रेट प्लेयर टू लाई अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, और ये बहुत खुशी या खुशगवार एहसास होता है कि दरख्तों के साए के नीचे लेटा या सोया जाए, स्पेशली इन समर सीज़न, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में. नंबर 2, हाउ कैन ट्रीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श टेम्परेचर, कैसे दरख्त हमें मदद देते हैं हार्श मतलब सख्त या तेज़ दर्जा हरारत से बचने के लिए. ट्रीज आल्सो फॉर्म अ शील्ड, जो ट्रीज़ हैं वो एक ढाल की तरह से हमें मदद देते हैं या हिफाजत करते हैं हमारी, अस डायरेक्टली फ्रॉम वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट, बहुत ठंडे और बहुत गर्म दर्जा हरारत से, और ब्लॉक आउट द ग्लेयर ऑफ द सन, और सूरज की शुआओं को हमारे तक पहुँचने से रोकते हैं. नंबर 3, क्वेश्चन, वेयर कैन यू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट जूनिपर फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि आपके ये जो सेकेंड लार्जेस्ट स्नोबर के जंगलात हैं ये दुनिया में कहाँ हैं? द सेकेंड लार्जेस्ट जूनिपर फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज़ इन, कहाँ हैं ये? पाकिस्तान. ये जंगलात कहाँ हैं? सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगलात या फॉरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं. नंबर 4, क्वेश्चन, हाउ डू ट्रीज असिस्ट आवर इकॉनमी, दरख्त कैसे हमारी मईशत में कारामद मदद या उसको कैसे संभालते हैं? द ट्रीज असिस्ट आवर इकॉनमी, जो दरख्त हैं वो असिस्ट करते हैं हमारी मईशत को. बाई प्रोवाइडिंग अस, हमें देकर, टिम्बर, फायर वुड, पेपर, नट्स, ETC मतलब लकड़ी, कागज़, ड्राई फ्रूट्स वगैरह देकर असिस्ट करते हैं हमारी इकॉनमी को. दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम, ये एक अच्छा जरिया है आमदनी का. दे प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल, और ये लोगों को क्या मुहैया करते हैं? जॉब्स मतलब उनकी आमदनी का एक जरिया बनकर उनको नौकरियां मुहैया करते हैं. नाउ द थर्ड डायरी इज सोशल स्टडी, चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ज़राए आमदोरफ्त और ज़राए मौसलात मतलब बातचीत का जो हमारा निज़ाम है. सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग. नंबर 1, ट्रांज़िट,
गुजरना या अबोर करना, डिक्लाइनिंग जवाल पसीर या किसी चीज़ का नीचे आना, बूस्टर नाजायज हिमायत करने वाला, कन्वीनियंट आसानी से या बासानी, डेस्टिनेशन ठिकाना मकसद, एक्सपेंसिव महंगा, ट्रांसपोर्टेशन ज़राए आमदोरफ़्त, स्टील चुराना, गिगेंटिक बड़ा, फ्लोटिंग तैरने वाला। नंबर सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इन फ्रांस एंड जापान द लेटेस्ट ट्रेन कैन ट्रेवल फॉर आवर्स एट वेल अप टू 350 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट ब्लैंक है। ट्रैवल बाई लैंड इज़ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो लैंड के ज़रिए मतलब ज़मीनी रास्ते से हमारा आमदोरफ़्त का निज़ाम है वो सबसे पुराना ज़रिया है ट्रांसपोर्ट ट्रैवल का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। रेलवेज वर फर्स्ट मास ट्रांजिट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो हमारा वज़न या जो भारी सामान ले के जाने का जो ज़राए आमदोरफ़्त है उसमें सबसे पहला क्या है? रेलवेज़। नंबर फोर ब्लैंक है पाइपलाइंस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन इजीली ब्लास्टेड। जो पाइपलाइन वाला जो ज़राए आमदोरफ़्त है वो आसानी से तबाह हो सकता है। नंबर फिफ्थ है द ऑयल टैंकर इज़ रियली अ गिगनेटिक फ्लोटिंग टैंक। ये एक तैरने वाला बड़ा फ्लोटिंग टैंक होता है। नाउ नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। रोड्स आर चीप टू बिल्ड। जो रोड हैं वो चीप टू बिल्ड मतलब आसानी से ये थोड़े सस्ते होते हैं बनाए जाने में। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स है। क्लियर। नंबर टू, रेलवे कैन कैरी लो अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स। जो रेलवे है क्या वो कम तादाद में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है? तो ये भी क्रॉस है। क्लियर। नंबर थ्री, पाइपलाइंस आर मेड ऑफ कंक्रीट ओनली। जो पाइपलाइंस है क्या वो सिर्फ सीमेंट से बनती हैं? नहीं, क्रॉस। नंबर फोर, एयर ट्रैवल इज़ एक्सट्रीमली क्विक एंड कन्वीनियंट। जो एयर ट्रैवल है वो तेज़ और आसानी से पहुंचाने वाला ज़रिया है, तो ये ट्रू है। नंबर फोर, सी कैरीज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स बाय फॉर। जो समुंदर के ज़रिए हम लार्ज अमाउंट में अशिया एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। आपकी आज की ये जो डायरी है कंप्लीट आपने याद भी करनी है और लिखनी भी है। तो नेक्स्ट डायरी ऑफ साइंस चैप्टर नंबर टू लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब मियोसिस। मियोसिस इज अ प्रोसेस। मियोसिस वो अमल है बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवाइड्स ट्वाइस, के जिसमें जो सेल का न्यूक्लियस है वो दो दफ़ा तकसीम होता है टू फॉर्म फोर डॉटर्ड सेल्स, चार डॉटर सेल्स बनाने के लिए, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है इन ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल में इज रिड्यूस्ड, वो कम हो जाती है टू हाफ हो जाती है कंपेयर टू पेरेंट सेल, अगर हम उसको कंपेयर करें पेरेंट सेल से। तो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजंस। अब जो मियोसिस का अमल है वो दो डिवीजंस पर मुश्तमिल होता है, मियोटिक वन डिवीजन एंड मियोटिक टू डिवीजन। ड्यूरिंग मियोटिक वन डिवीजन के दौरान द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो कम हो जाती है टू हाफ और आधी रह जाती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल, इतने कि अगर हम उनका पेरेंट सेल से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में वो हाफ रह जाती है। म्यूटिक टू डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस, लेकिन जो म्यूटिक टू डिवीजन है उसका जो प्रोसेस है वो माइटोसिस की तरह ही होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है इज़ रिटेंड, वो कायम रहती है इन द फोर डॉटर सेल्स में ही, यानी कि जितनी होती है उतनी ही रहती है, वो कम नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती। अब आपने इस डायरी को अच्छे तरीके से याद भी करना है और अपनी कॉपीज पर नोट भी करना है। नाउ डायरी ऑफ मैथ एक्सरसाइज 5.2, योर क्वेश्चन नंबर इज 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 2y + 3z व्हेन एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 2a² - a³ + 3a + 4, y की वैल्यू गिवन है 2a³ - 3a² + 2 - 2a, और z की वैल्यू आपको गिवन है a⁴ + 3a³ - 6 - 5a² हमने वैल्यू इसकी फाउंड कर ली। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां आपका x, y और z मेंशन है उसकी जगह हम लोगों ने इनकी ये वैल्यूज पुट कर दी। क्वेश्चन आपका है x - 2y + 3z, x की जगह हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया, -2 लिखेंगे और y की जगह हमने 2 के साथ आगे y की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट आपका 3z है तो 3 लिख के आगे हमने z की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तो आपका कोई एक डिजिट नहीं है, तो ये आपकी एज इट इज आ जाएगी 2a² - a³ + 3a + 4 माइनस। अब देखिए 2 जो है वो y की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने साइन समय इसको मल्टीप्लाई करना है,
तो माइनस प्लस माइनस टू टू ज़ा फोर ए क्यूब माइनस माइनस प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू टू ज़ा फोर माइनस माइनस प्लस टू टू ज़ा फोर ए। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आप देखें 3z है तो z की जगह हमने इसकी वैल्यू को लिखा था, तो 3 की हमने इस 3 को z की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3a 4 प्लस 3 3a 9a क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 6 18 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 a स्क्वायर। आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आएगी। अब हमने इसको इसकी पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ हमने देखना है कि a की पावर जो है वो सबसे बड़ी पावर इसमें a की क्या आ रही है, वो आपके पास आ रही है 4, यानी प्लस 3a 4 आपके पास इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर है। तो प्लस 3a 4, 4 के बाद हम 3 की पावर की तमाम वैल्यूज पुट कर लेंगे, जैसे आपके पास माइनस a क्यूब आ गया, फिर माइनस 4a क्यूब आ जाएगा, नेक्स्ट आपका प्लस 9 ए क्यूब आ जाएगा। तो अब क्यूब की और कोई वैल्यू आपकी रिमेन नहीं है, तो क्यूब की वैल्यूज भी आपके रेंज हो जाएंगी। ये आपके माइंड में रखना है कि साइन समेत आपने टर्म को पिक करना है। अब हम ए स्क्वेयर की तरफ आते हैं, तो आपके पास ना कोई साइन नहीं है, ये प्लस टू ए स्क्वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्लस 6 ए स्क्वेयर, देन आपका माइनस 15 ए स्क्वेयर। 3 वैल्यूज आपके ए स्क्वेयर में है। अब हम ए पावर 1 यानी सिंपली ए कौन ले लेंगे, आपके पास 2 टर्म्स है इसमें, प्लस 3 ए, देन आपका आ जाएगा प्लस 4 ए सिंपली। अब आपकी ये भी हो गई कॉन्स्टेंट टर्म ले लेते हैं, वो आपके पास है प्लस 4 माइनस 4 एंड माइनस 18। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज हो गया। इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा क्योंकि हमने डिग्री को देखना है और जो पावर होती है उसको हमें उसी सेम पावर वाले वैल्यू के साथ या टर्म के साथ आपने सॉल्व करना है। तो ए पावर 4 आपके पास सेपरेट है, इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, तो ये आपकी एज के साथ जाएगी। अब यहाँ ए क्यूब एंड ए क्यूब आपके 3 टर्म्स हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस बट साइन आपका माइनस ही रहेगा, तो ये 5 ए क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 को हमने 9 में से माइनस किया तो 4 ए क्यूब आपके पास आएगा और साइन प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। अब हम ए स्क्वायर के टर्म्स को सॉल्व करते हैं, प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 6 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ए स्क्वायर। 15 है नेक्स्ट आपका, 15 में से हमने 8 को माइनस करना है तो 7 ए स्क्वायर आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो साइन आपका माइनस ही रहेगा। ए में आपके 2 टर्म्स है, प्लस 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 हो जाएगा, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 ए आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 4 और माइनस 4 सेम कॉन्स्टेंट है और अपोजिट साइन जो है कट हो जाएंगे और माइनस 18 आपके पास रिमेन रहेगा। तो आपका इसका आंसर है 3 ए 4 प्लस 4 ए क्यूब माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 18। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ टू पॉलीनोमियल्स इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस y स्क्वायर इफ वन पॉलीनोमियल इज, यानी वन पॉलीनोमियल आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3, देन फाइंड द अदर पॉलीनोमियल, यानी हमें सेकंड पॉलीनोमियल को फाइंड करना है। तो सम ऑफ टू पॉलीनोमियल्स हमें गिवन है, वो हमने लिख लिया। वन पॉलीनोमियल भी हमें गिवन है, उसकी वैल्यू लिख दी। तो सेकंड को मालूम करने के लिए हम सम में से फर्स्ट पॉलीनोमियल को माइनस कर दें। तो सम ऑफ टू पॉलीनोमियल्स हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस y स्क्वायर, और वन पॉलीनोमियल जो फर्स्ट हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3। ये वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी, साइन के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस प्लस माइनस 3। इनको भी हम इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो x पावर 2 इसकी हाईएस्ट पावर आ रही है, x पावर 2 माइनस x पावर 2 प्लस 2x प्लस 2xy माइनस 3। तो ये आपकी यहाँ पर अरेंज करेंगे माइनस 5 स्क्वायर माइनस 3। यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर सेम है और साइन के ऑपोजिट भी आपकी कट हो जाएंगे, देन आपका रह जाएगा यहाँ पर प्लस 2x प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि इनके साथ कोई भी सेकेंड टर्म मौजूद नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सबट्रैक्ट 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड
क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन, यानी इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है फ्रॉम द सम ऑफ इस एक्सप्रेशन को लेकर और इसको, इन दोनों का सम निकाल के इनका जो आंसर आएगा उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सलूशन में हम सबसे पहले सम ऑफ करते हैं, क्योंकि सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन से हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्योर माइनस टू एक्स, हमने ये वैल्यू लिखी, एंड द सेकेंड इज टू एक्स क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, देन प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन। आपने यहाँ पर भी इनको इनकी पावर्स के ही अकॉर्डिंग अरेंज करना है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये प्लस वन है, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब, या एज इट इज आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए साइन आपका प्लस का रहेगा, थ्री में से हमने टू को माइनस किया आपके पास एक्स आ जाएगा, माइनस सेवन आपकी एज इट इज आ जाएगी। तो सम ऑफ टू एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर ली है। अब इन्होंने कहा है कि सेपरेट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, अब हमने इनका सम ऑफ कर लिया, इस आंसर में से हमने डिफरेंस मालूम करना है इसका। अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे लेकिन अरेंज फॉर्म में हमने लिखना है। अब एक्स क्यूब के नीचे क्यूब की तो कोई वैल्यू इसमें नहीं है, तो एक्स पार टू वैल्यू है, तो हम इसको एक्स के नीचे, बट ये आपने माइंड में रखना है कि टर्म को आपने साइन समेत पिक करना है, माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस फोर एक्स, एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, प्लस फोर एक्स आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट के नीचे हमने कॉन्स्टेंट को लिख दिया प्लस सिक्स। सब्ट्रैक्शन में आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका साइन हमने चेंज करना है, अगर वो प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब ये माइनस टू एक्स स्क्वायर था, हमने माइनस टू कन्वर्ट कर दिया प्लस में, इसी तरह यहाँ पर प्लस फोर एक्स है इसको भी कन्वर्ट कर लिया माइनस में, प्लस सिक्स को भी हमने कन्वर्ट कर लिया माइनस में। अब हमने इन साइंस के साथ उनको मल्टीप्लाई, साइन को मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स निकालते हैं। यहाँ क्योंकि कोई वैल्यू और नहीं है आपकी एज इट इज आ जाएगी, प्लस 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 टू प्लस वन थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, अब आप देखिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आपका माइनस ही आएगा, फोर में से वन को माइनस करेंगे थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस, साइन आपका माइनस ही रहेगा, सिक्स और सेवन को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा थर्टीन, आंसर आपका आएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थर्टीन। तो बच्चों ये काम आपका नीट रजिस्टर्स पे होमवर्क के लिए भी है, और इसकी जो पार्ट्स रिमेनिंग है वो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ रजिस्टर्स पे, और बाकी भी जो आपकी जितनी भी डायरीज आपको यहाँ पर समझाई गई हैं आपने उनको अच्छे से याद भी करना है और तो आपने होमवर्क भी करना है।